मैं डॉक्टर मोना अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्ने के बारे में, एक्ने क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं एंड होम्योपैथिक ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे एक्ने के ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलेगी। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्ने का डाइट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनकी वजह से एक्ने एग्रावेट होते हैं, तो आज मैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करूंगी। इसमें मैं आपको गाइड करूंगी 3 ऐसे फूड आइटम्स जिनको खाने से एक्ने हमेशा एग्रावेट होते हैं। एंड अगर आप कोई भी अपने एक्ने का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें साथ साथ ये डाइट मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करिए, तभी आपका ट्रीटमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। सो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। व्हाट एग्जैक्टली इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, एक इजी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड जाके वो बॉडी में मिल जाता है। एंड जितना जल्दी हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है एंड शुगर का स्पाइक क्रिएट कर रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो तुरंत बॉडी में जाते हैं एंड तुरंत ही शुगर स्पाइक क्रिएट करते हैं। तो ऐसे जो भी फूड आप लेते हैं हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से वो शुगर स्पाइक जल्दी क्रिएट करते हैं एंड ये हमारे को एक्ने एग्रावेट करते हैं, एक्ने में इन्फ्लेमेशंस को प्रमोट करते हैं। सो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स में आता है बेसिकली आपका वाइट राइस, पास्तास, वाइट ब्रेड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या आपके जो रेडी टू कुक सीरियल्स होते हैं, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आप लोग लेते हैं वो भी हाई शुगर कंटेंट होते हैं एंड वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि हो गया आपका वाटरमेलन या पाइनएप्पल, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर हो गए आपके क्रैनबेरीज, आपके डेट्स, आपके रेजिंस, ये भी एक हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। सो कोशिश करिए हमें ये सारे फूड आइटम अवॉइड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्नेज। आप अगर इस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल आउट करोगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी। तो सेकेंड ऐसा फूड आइटम जो हम अपने पेशेंट्स को अवॉइड करवाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्ने ट्रीटमेंट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गए आपके चीज़, आपका पनीर, आपका फुल फैट मिल्क, स्किम मिल्क, योगर्ट्स, क्रीम्स, ये हम कोशिश करेंगे कि आप ड्यूरिंग द एक्ने ट्रीटमेंट ये चीज़ अवॉइड करें। और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो उसमें ऑलरेडी इंसुलिन प्रेजेंट है, वो इंसुलिन स्पाइक क्रिएट करेगा, वही शुगर इंक्रीज करेगा जो कहीं ना कहीं एक्ने को प्रमोट करेगा। इसके अलावा आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि जितने भी हम लोग काओ बुफेलोज होते हैं उन लोगों को एक्सटर्नली ग्रोथ हार्मोन्स लगाए जाते हैं टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। तो जो आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन है वो भी जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्नेक्स को प्रमोट कर देता है। तो एक यही रीज़न है हम कोशिश करते हैं जितने भी आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्ने उसको अवॉइड करिए। वो अननेसेसरी आपके एक्ने को ठीक नहीं होने दे रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन ला रहा है, रेडनेस ला रहा है एंड वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हैम्पर किए जा रहा है। द थर्ड आइटम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर एक्ने इज ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे फैट्स की एक टाइप होती है जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करने में मदद देती है। हमारे को हार्ट डिसीज़ होने के खतरे हो जाते हैं इसकी वजह से। सो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें हमें ट्रांस फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, जैसे कि आपके जितने भी बेकरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके बिस्किट्स हो गए, आपका चीज़ हो गया, आपका पिज़्ज़ाज हो गए, आपके मोज़रेला चीज़ हो गए, आपके फ्राइड फूड जितने भी आप लोग लेते हैं, जितने भी जंक फ्राइड फूड्स आपको मार्केट में मिलते हैं, आपके फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, ये सारे करते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी में जो आर्टिफिशियल क्रीमर्स हम लोग डालते हैं, जितना भी आप लेते हैं कॉफ़ीज़ को वो इंक्रीज़ करती है ट्रांसफैट को। या सॉसेजेस हो गए जो हम लोग अपने सैलड्स में डालते हैं, ये हमारा ट्रांसफैट एंड सैचुरेटेड फैट को इंक्रीज़ करते हैं। सो व्हाटएवर यू आर टेकिंग प्लीज़
थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करिए। सो प्लीज़ एक अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यही आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे देख सकें।